अश्लील वीडियो बनाने और उसे ऐप पर रिलीज करने के मामले में फंसे राज कुंद्रा के केस में अब एक नया नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये नाम है पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी परी पासवान का। परी उस प्रियंका पासवान के ससुराल वालों ने उन पर पॉर्न वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। परी के ससुराल वालों का कहना है कि जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी कि परी पॉर्न वीडियो बनाती है, उन्होंने तुरंत शादी से इनकार कर दिया, लेकिन परी ने डरा धमका कर उनके बेटे से शादी कर। पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी प्रियंका पासवान ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे उनके ससुराल वालों की साजिश बताया है। प्रियंका ने कहा है कि ये सब बिल्कुल झूठ है और उनके ससुराल वालों की रचाई कहानी है। प्रियंका का कहना है कि उन्होंने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया, जिसकी वजह से अब वो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि परी उर्फ प्रियंका पासवान ने साल 2019 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था। प्रियंका मूलतः गुमला जिले की रहने वाली हैं। उनकी मुलाकात अपने पति कतरास थाना क्षेत्र के नीरज कुमार से फेसबुक के जरिए हुई। वहीं से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई और उसके बाद दोनों ने साल 2021 में शादी कर ली। कुछ समय तक इनका रिश्ता अच्छा चला, लेकिन बाद में रिश्तों में खटास आ गई। दोनों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परी पासवान ने करतास थाने में अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है।